आइए आज हम आपको सादा सलवार बनाने का तरीका बताते हैं। इसमें ये कपड़े को इधर से आपने जो खुली वाली साइड है उसको इस साइड पे कर लेना है, ये डबल फोल्ड हुआ हुआ है और खुली वाली साइड इस साइड पे आएगी और यहाँ से ये बराबर रखेंगे दोनों कपड़ों को। जितनी लेंथ चाहिए उतनी आप रखें। मैंने कमीज की सलवार की लेंथ रखनी है 39, तो 39 जितनी सलवार की लेंथ आपको चाहिए आपको पता होना चाहिए आपको कितनी चाहिए। इसके लिए सलवार लेने की उसके नाप की जरूरत नहीं है। तो 39 इंच ऊपर 6 इंच की बेल्ट आएगी यानी के और साथ में इसका मतलब है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो 33 इंच का होगा। 33 इंच का मतलब यह है कि नीचे से आपने पैंचों के लिए 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखने हैं और 1 इंच ऊपर 1.5 इंच ऊपर नेफे के लिए रखना है। तो इसका मतलब है कि 33, 2 इंच 35 और 1 इंच 36 और 36.5 यहाँ पे निशान लगा ले। और इसके लिए ये चौक है ये भी ले सकते हैं, नहीं तो ये इससे भी काम चल जाता है चौक से। तो ये तो टोटल अब मैं काटने लगी हूं 33 और उसके बाद 2 इंच उसके लिए पैंचों के लिए, 1 इंच ऊपर नेफे के लिए और 1/2 इंच 36.5। और पैंचा इधर से देखने आपने कितना रखना है, मैंने 8 इंच का रखना है, 8 इंच का। और 1 इंच जो है वो आपने एक्स्ट्रा यहां पे सिलाई लगेगी और ये एक्स्ट्रा 1 इंच आ गया, ये हो गया। अब इधर से जो आसन है हमारा, यहां से भी पूरी लंबाई कर लें जितनी आपको चाहिए, वो जो आपने पूरी रखनी है पैंचे के लिए सारा नीचे जो लंबाई है टोटल सलवार की वो रखें। और ये आ गया 36.5, मैंने 37 पे कर दिया थोड़ा सा, लेकिन मैं जरा ज्यादा मोड़ती हूँ, लेकिन 36.5 बिल्कुल ठीक माप है। और इधर से रखेंगे जो आसन है वो होता है 17 इंच, 6 इंच ऊपर बेल्ट में जाएगा और बाकी यहां से ये 17 इंच। तो इस तरह माप लीजिए, यहां से सलवार की कटिंग हो जाएगी, ये 17 इंच, ये पूरा हो गया। अब इसको और इसके साथ मिला देना है, ये वाले पहले, ये वाले नुक्ते को, इस वाले को नहीं, इस वाले को इसके साथ मिला दें, ये निशान और बस। और अगर आपको बुटी काट की सलवार चाहिए तो वो बस बिल्कुल यही तरीका है, पूरी लेंथ के साथ ऊपर बेल्ट नहीं चाहिए, जितनी लेंथ आपको चाहिए बस उतनी बना के सिर्फ इस तरह से आपने कटिंग करनी है। 2 इंच नीचे से पैंचे के एक्स्ट्रा, यहां से 2 इंच पैंचे के एक्स्ट्रा, 1.5 इंच ऊपर आपने उसका नेफे का रखना, बस ये गुडी काट की सलवार यही है, इतना ही कटिंग। और ये इसकी कटिंग हो गई, ये इधर से और ये सलवार यहां से, ये सलवार रेडी होगी। ये दोनों चीजें जो है ये देखें, ये दोनों पैंचे बन के सलवार के, इसको साइड पे कर लें और अब आ जाते हैं बेल्ट की तरफ। ये जो कपड़ा बचा है अब इसमें से हमने बेल्ट बनानी है। बेल्ट जो है अक्सर 24 या 26 इंच जितना आपका नाप बनाना चाहें, ये आप टोटल कपड़ा 24 इंच का ही है तो मैं बस इतने ही बना लूंगी। ऊपर 6 इंच हमें तैयार चाहिए और 1.5 इंच ही हमारे इसका 1.5 इंच नेफे का हो गया। चौबीस इंच चौड़ाई और 7.5 इंच इसकी यहां से ये लंबाई, क्योंकि 6 इंच ऊपर रह जाएगा। और बस ये इसकी इनको आपस में मिला लें और यहां से कटेंगे। और
और ये देखिए ये शलवार इधर से यहां से आप इसके साथ सिलाई करेंगे और पिछले वाले को इसके साथ सिलाई करेंगे इसके साथ, और ये ऊपर जो है यहाँ पे ये बैक लग जाएगी। तो ये आपकी शलवार जो है तैयार हो गई है।